भाइयों राम राम। राम राम भाई। आज हम मधमाटवी अलका कहे हर भाई दादा मान्य रू में दादा साधु राम से मिलने आए थे, पर इन औषधियों के नाम बताए माँ दादा, वह दिखा दे कौन कौन सी दवाई कौन कौन से बने हैं। भाई ये जैसे पहला चंदन हमारे शास्त्रों के अनुसार, अच्छा ये चंदन पहला चंदन हाँ। और दूसरा पिपल हाँ। और तीसरा कदम हाँ। जो इसका मैं बैतला रहा हूँ, कदम का पेड़ है। अच्छा अच्छा, इनकी हजारों वर्ष की उम्र है। अच्छा। और वो इतने सख्त है हाँ। इसके बारे में गांव का कोई भी आदमी मैंने कहते ही नहीं सुना कभी। अब उन ये ही कही बूढ़े बूढ़े, मैं भी 80 वर्ष का होने को जा रहा हूँ। अच्छा। और मैंने 80-80 वर्ष के 90-90 वर्ष के बूढ़े से पूछी, बाबा ये कदम पहले भी छोटे थे उड़े थे हाँ। तो यह है कही हम तो उठ गए उठ देखा सा, यानी बहुत लंबी उम्र के पेड़ है। पेड़ है और ये इतना सख्त है काटने से भी नहीं कटेगा। खूबी क्या है दादा इनकी? इसकी खूबी यह है अग भाई, इसका अग एक मुनमुनिया सा हो सी हो यो रिया यो फरसा है हाँ, ये फरसा हाँ। ये शुक्राणु पैदा करता है। शुक्राणु? शुक्राणु वीर्य को बल दे, वीर्य को बल देता है। ये शुक्राणु पैदा करता है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उस काम का पौधा इसका। ये कदम का पेड़ है? कदम का पेड़ है। अच्छा। इसका अग लगता है, ये देखो इधर आ जाओ, ये जाड़ में कदम है, ये या ए जाड़ और कदम दो हैं। हाँ जाओ ये रहा ऊपर जाड़ और कदम करते हाँ। फिर ये देखो ये सभी कदम के पेड़ हैं। अच्छा इतने पेड़ हैं दादा कदम? हाँ और चाली बैर यो तो यो सारा एरिया यहाँ मेरा कदम कदम समी वृक्ष केंदू और जाड़ या रूख ही तीन है। ये हाँ दादा आप इतने पुष्ट हो इसका कमाल के भाई, इसका कमाल मैं राजी रहूं सूं और सेवा करूं सूं सब क्या है कि अरे इन कदम के पेड़ा तो रहना है। और देखियो जमा पड़न हो जाता है, क्या है पूरा का पानी आगर जा पलिया। अच्छा। इब क्या उरक है लोगों तो मांग मांग के चंदा करके। अच्छा कटा बन रहा है। और ना या पानी का नून तरा करवाया हाँ। और यह माटी पे गिरवाई, देख इनकी सब जड़ निकल रही थी। अच्छा अच्छा, आड़ माटी लगवा दी। कदम है यो कदम का पेड़ है, यहाँ पे ना करो कोई भी पेड़ नहीं हो भाई। इसका यो फल शायद दिखाई नहीं दे रहा। यो रहा देख ले भाई देख ले, ये यो रहे ये दो रहे मनमनिये से हाँ। ये सिट्टी में गलत है अभी सल में, ये तो गलत है। अच्छा हाँ जी हाँ, ये रूप गोल गोल ये विशल में गले अगर ये मुँह है, ये इतना हलवा होता सूख के इतना हलवा हो जाता है, ये गोल ऐसे घूमता है ये बिल्कुल सिट्टी में। ओहो या बोल कदम हाँ, ये कदम का ये सारे कदम के हाँ जी, ये भी कदम के वो सामने भी, ये भी कदम है, ये भी कदम है और छोटे बच्चे कदम है। कदम के अलावा और पेड़ बताऊंगा। आओ आप आओ। हाँ दादा यो क्या है पेड़? यो भाई केंदू का पेड़ से जिसने समी का वृक्ष कहा था। समी? समी दादा इनकी खासियत बता। इसकी खासियत ये है अगर केंदू हमारी क्षेत्रीय भाषा में है और समी हमारी वैदिक भाषा में संस्कृत में, ये सड़ा हुआ मांस। अच्छा। और गड़ा हुआ हाड हाँ। अगर डॉक्टर नु कहने के विषय काटना पड़ेगा तो 1 किलो पत्ते 5 किलो पानी 3 दिन उबालो, पत्ते जब उबड़ के गड़ जाए पीले हो जाए हाँ। उसको जख्म पर दवाई लगाने की आवश्यकता नहीं है हाँ। केवल उस पानी से ही दिन में 3-4 बार धोइए। इनके नाम के बोलेगा है दादा? कोई गांव में खड़ा और ना बेरा हो के बोल रहे केंदू? केंदू केंदू देसी भाषा में हमारे क्षेत्र हाँ केंदू कहते हैं। अच्छा जैसे इधर आओ, ये सभी कदम के पेड़ हैं। कदम के हाँ, ये भी कदम के पेड़ हैं। कदम और केंदू अलग अलग हो गया? केंदू अलग है कदम अलग है। फिर ये जैसे जाड़ है, जाड़ ये भी हमारी दुर्लभ प्रजाति में है। ये महात्मा लोग खड़े जरा इनका भी ले लो ना, ये तो करवा रहे हैं सारा काम। इधर आओ महात्मा जी इधर आओ। आदेश महाराज, आदेश महाराज, आदेश आदेश जी आदेश महाराज जी।
हम कौन से धाम पर कौन सी स्थली पर खड़े हैं इन्हें नहीं पता, मैं बताऊंगा। ये अभी आए थे, ये हरिहर बाबा जब कनाने की बनी मत है उठ के यहाँ आए, ये वो जगह है। अच्छा, हरिहर बाबा की तपोभूमि। तपोभूमि गांव का नाम? गांव का नाम मधमाधवी। मधमाधवी, मधमाधवी ये महाराज जींद स्टेट का टेकिया नाम है। अच्छा अच्छा, हाँ। और ये महात्मा लोग यहाँ रहते हैं, ये महात्मा 2 साल से रहता है, ये अभी इनका सहायक आया ये गांव का। अब अर्थदा के ना भाई, आप क्षत्रिय आज अभी ये बोन से है। बोन से। अच्छा, और यहाँ इसने अपना रेजिडेंस बना रखा है। अच्छा, और मैंने पहले भी बताया था बोन से कौन है। बोन से ये रहा आप? हाँ, राम राम राम। शुभ नाम जी आपका? रिटायर फौजी है, 200 ने पहले बता दी। इस गांव में कोई घर ऐसा नहीं जिस घर में 2 फौजी ना हो। हर घर में दादा मैं बोंद का निकाया हूँ। अच्छा, दो कुमार का दादा बाबा चंदूदास जाकर शिवानंद का साक्षी है। बहुत बढ़िया स्थान है जी। तो यो बहुत योगदान दे रहा से। और आओ मैं आपको समी का वृक्ष दिखाऊं पहले तो इसके समी। तो ये देखो, ये कैंदू बोलते हैं इसका कंधोड़। अच्छा, ये के काम है? ये ही जख्म के लिए सबसे विशेष औषधि है। अच्छा अच्छा, जब तलवार कट से सैनिक कट जा करता, महाभारत में जल जमनी के रस को ऊपर घेर के और मकोड़े रखते थे। अच्छा, उन मकोड़ों को उस कटे गांव के ऊपर यूं चिपका देते तो मकोड़े को बुरका बना आता, छोड़ना नहीं आता। वो टाटी मिला दिया करते। अच्छा, और अच्छा। जल जमनी का रस घेर दे। अच्छा, और ये कैंदू कंधोल है, ये रे। हाँ, ये रे, ये रे, ये रे। तो इनको रगड़ के हाँ। और डिब्बी में रखते थे और ऊपर लगा देते थे, जख्म फौरन ठीक हो जाएगा। पहले डॉक्टर थे ना ये दवाई? हाँ, सैनिक के पीछे जो AMC है हाँ। वो तो यही काम करेगी। दादा आप अंग्रेजी जानो हो, नौकरी करी क्या आपने? भाई मैंने बिजली बोर्ड में नौकरी करी 27 वर्ष। तो बड़ा दुखी होया, पाछे से बड़ा आराम मिला था। गाने भी गाए होंगे उड़े? खूब गाए थे भाई। कुश्ती भी करी होगी? कुश्ती तो कोई नहीं करी भाई, बस मन तो गीत मेरा गाने आए कि नहीं आए पर मेरा बहम रहा। और कहूँ भी तेनू चलिया जा गाँव बढ़िया रहा। हाँ, गाने गाने में चलो, बाग का रोला सारा रोला बाग का।